हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। तो चलिए देखिए, आज हम आपको जो यहाँ पे 12th की बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। कल हमने क्या किया था, आपको 12th की बायोलॉजी में पृथक्करण पहला जो रूल्स था, जिसको आप लोग कहा किया करते हो प्रभाविता का नियम, उसको हमने आपको बताया था। एकदम सीधा सीधा उस नियम में यही था कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, प्रकट नहीं होता है। यही इतना ही क्या था, आपका प्रभाविता का नियम था। आज आप देखिए जो सेकेंड नियम है, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं पृथक्करण का नियम, लाभ सेग्रेशन, पृथक्करण का नियम, या इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके नाम से युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीन नियम दिए थे बेंडर साहब, उसमें पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण। इसी पृथक्करण के नियम को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और जो इसके बाद अगला नियम है आपका, वो आपका क्या हुआ करता है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। तो तीन नियम दिए गए हैं, तीनों नियम में आपको मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूं। कल हमने आपको इसके पहले लेक्चर में प्रभाविता का नियम बता रखा हूं, ये भी ध्यान दीजिए। तो अब हम यहां पे आपको क्या बता रहे हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। सुनिए, सबसे पहले एक चीज एकदम ध्यान दीजिएगा कि यह नियम भी एक संकीर्ण क्रॉस पर आधारित है। मैंने कहा था एग्जाम में अगर आए एक संकीर्ण प्रयोग पर आधारित नियम लिखिए, तो आपको प्रभाविता का नियम भी लिखना रहता है और आपको ये भी, ज्यादा करके सब लोग यही लिखते हैं, ये प्रभाविता का नियम भी छोड़ करके यही पृथक्करण लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जैसे नंबर होता है उसी हिसाब से हम लोग अपना कार्यक्रम किया करते हैं। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम, सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये नियम एक संकीर्ण पर आधारित है, और इसमें यह बताया जाता है कि हम ये देखते हैं कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसमें जो विरोधी लक्षण हुआ करते हैं वो कभी भी क्या हुआ करते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। वो आपको जाकर के अंत में क्या हो जाया किया करते हैं, वो प्रकट हो जाया किया करते हैं फिर से। मतलब इसमें जो गैमिट हुआ करता है, एक आध पीढ़ी में लक्षण अगर अब्सेंट रहता है तो लेकिन अगली पीढ़ी में जाकर वो लक्षण फिर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो पहले एक लाइन समझिए, उसके बाद पूरा एकदम अंत तक बने रहिए, एकदम आपको पूरा एकदम विधिवत समझा करके छोड़ेंगे, जान लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज, यह नियम एक संकरण, एक संकरण मतलब जानते हो, जब केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। पहली चीज तो यह ध्यान दीजिएगा, दीज रूल्स आर बेस्ड अपॉन ओनली, ध्यान दीजिएगा, ओनली क्या हुआ करता है, वन करेक्टर्स, और इसमें क्या हुआ करता है, जब आपस में विरोधी लक्षण एक साथ काफी समय तक रहते हैं, एक साथ काफी समय तक या अधिक समय तक रहने पर भी, काफी समय तक एकदम समझा के छोड़ूंगा, एक साथ रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं, एकदम समझा के छोड़ूंगा, जान लीजिएगा, अभी उदाहरण दूंगा तभी समझ में आएगा। ये बात जब क्या हुआ करता है, आपस में विरोधी लक्षण एक साथ काफी समय तक एक साथ रहने पर, या एक साथ काफी समय तक रहने पर भी शुद्ध क्या रहता है, बने रहते हैं, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये तो दो बातें समझ में आ गई आपके, बस केवल दो बातें समझाया मैंने। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विरोधी लक्षण होते हैं वो आपस में बहुत समय तक रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन वो जो प्योर करेक्टर जैसे लंबा है तो लंबा
ध्यान दीजिएगा कि वो जो गैमिट होता है वो हमेशा प्योर बना रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और ये पूरा नियम जो है अब आपको समझा रहा हूं, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि उनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण पृथक होकर के, लक्षण पृथक होकर के द्वितीय पीढ़ी में 1:2:1 में प्राप्त होते हैं। और इसी नियम को क्या कहते हैं, पृथककरण का नियम। देखो यहां पे युग्मकों की शुद्धता भी समझा दिया कि गैमिट ऑलरेडी वो चाहे जितने समय तक वहां तक रहता है वो कभी भी बदलता नहीं है, और दूसरी चीज बता दिया कि अगर आप तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराओगे तो पहली पीढ़ी में तो संकर बन जाएंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरी पीढ़ी में स्वपरागण हुआ तो जो लक्षण होंगे वो जो छिपे थे वो आकर के फिर प्रकट हो जाते हैं, और किस अनुपात में, 1:2:1 में क्या हुआ करते हैं, प्राप्त होते हैं। और इसी नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, पृथककरण का नियम कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इस नियम को बता रहा हूं, जब दो तुलनात्मक या विरोधी तुलनात्मक लक्षणों वाले, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में या प्रथम संतान पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। इतना समझ में आया भैया, अभी एग्जाम्पल लूंगा अपने आप समझ में आ जाएगा। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सभी कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, संकर पौधे प्राप्त होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि इनमें क्या होने दिया जाए, स्वपरागण, स्वपरागण आप लोग पढ़ाए हो, स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण, अब तो संकर में सब आ गए थे तो लक्षण, यहां देखिए मैं शब्द की मार समझा रहा हूं, पृथक होकर, इसीलिए इसका नाम पृथककरण का नियम है। क्या होकर के, पृथक होकर, अलग होकर, ये ध्यान दीजिएगा, पृथक होकर कितने अनुपात में, 1:2:1 में प्राप्त हो जाते हैं, लक्षण पृथक होकर 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, के अनुपात में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, पृथककरण का नियम कहते हैं, यही तह है नियम। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में क्या होता है, सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि इनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण पृथक होकर के 1:2:1 में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अतः इसे हम लोग क्या कहा करते हैं, पृथककरण का नियम कहते हैं। और पहली चीज बताया था कि यह नियम एक शर्त के ऊपर आधारित है, और इसमें क्या हुआ करता है कि आपस में जो विरोधी लक्षण होते हैं एक साथ काफी समय तक रहने पर भी क्या रहते हैं, वो शुद्ध बने रहते हैं, इसीलिए क्या हुआ करता है, एक डायरेक्ट जवाब कह दीजिएगा, इसमें आपस में विरोधी लक्षण क्या होता है, एक साथ अधिक समय तक या काफी समय तक रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं, वो प्योर रहते हैं, ये चीज याद रखिएगा, मिक्स नहीं होते हैं, जान लीजिएगा। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और फिर नियम क्या मैंने बताया कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि इसमें क्या होने दिया जाए, स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण पृथक होकर के 1:1:1
प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन यही भी पूछा जा सकता है कि पृथक्करण में जीरो टाइप अनुपात कितना होता है, तो 1:2 होता है। एक संक्रमण पर आधारित नियम कौन है, पृथक्करण का नियम है। तो ये सब चीजें, युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं, पृथक्करण के नियम को कहते हैं। और मैं एक प्यारा सा खूबसूरत इसका क्या कर रहा हूं, अब आरेख समझाने जा रहा हूं विथ एग्जांपल्स, मिटा दे रहा हूं इसको। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एकदम बहुत प्यारा सा इसका एग्जांपल्स, या इसी को आप लोग कहते हो आरेख। चलिए एक प्यारा सा खूबसूरत एग्जांपल लिया गया। मैंने तने की लंबाई को ध्यान में रखा है, शुद्ध लंबे तने के पौधे के बीच में क्रॉस कराएंगे। अब लैंग्वेज पहले ऊपर कहो लिख दूं चाहे कहो बाद में लिखूं, अगर हम शुद्ध लंबे, पहले आरेख दिखा दे रहा हूं नीचे लैंग्वेज लिख दूंगा ठीक। मैंने क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबे तने का, और दूसरा कौन सा लिया, बौने तने का, मटर का लिया मंडल साहब ने। ये क्या है, इसको क्या लिखते हो, ये कैसा लक्षण है, प्रभावी आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे लिखा करो। और ये कैसा लक्षण है, अप्रभावी, पहले लिखेंगे प्रभावी और फिर अप्रभावी। शुद्ध लंबा और बौना लिया आपका, शुद्ध बौना नाटा। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, और जिसके बीच में क्रॉस कराया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी, पी, क्या कहते हैं इसको, पी, पैरेंट। अब शुद्ध लंबे का जीन क्या होता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और ये पुनेट का चौकोर खाना है, ये जो मैंने बता देता इसे, ये चौकोर खाना, पुनेट का चौकोर खाना है ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, सुनिए एकदम प्यारा सा, यहां पे क्या होगा, बौने का स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब चलिए इतना सबको समझ में आया नहीं, आज बताइएगा, पहले लिखा प्रभावी, शुद्ध लंबा और बौना, केवल एक लक्षण ध्यान में रख रहे हैं, इसलिए एक संकरण है, केवल कौन सा लक्षण ध्यान दे रहे हैं, तने की लंबाई, कौन सा, तने की लंबाई। अब देखो मैंने एक लक्षण बताया था, ये कौन सा है, समयुग्मकी, क्योंकि इसमें दोनों जो जीन के जोड़े हैं वो समान है, और ये भी क्या है, समयुग्मकी। तो जब ये गैमिट बनाएगा, लंबा पड़ा पौधा होगा, तो इसमें दोनों गैमिट सेम होगी, कौन कौन सा, ये बनाएगा क्या, इसे बनाएगा देखिए कैपिटल टी, और ये क्या बनाएगा, फिर एक दूसरा भी कैपिटल टी, और ऐसे ये भी दोनों बनाएगा स्मॉल टी, और दूसरा का क्या बनाए भैया, स्मॉल टी, ऐसे दोनों बनाएगा। अब आप खुद विचार कीजिए कि चाहे आप इसका इसमें से किसी एक के साथ कराओगे बनेगा सब वही इक्का रहेगा, जो अब दोनों में चाहे जिसके साथ आप कराओगे बनेगा इक्का। अगर आप सोचोगे एक उठाओगे इसके साथ तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी शंकरलाल, फिर आप इसको अगर उसमें करोगे तो फिर क्या बन भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखे चले राजू, फिर इसके साथ कराएंगे इसके साथ फिर तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखा था हा, फिर क्या बना इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखा था, पूरा सब वही पूरा बन रहा है। एक उठाया इसके साथ क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको उठाया इसके साथ किया, देखिए जहां तीर जा रहे देख रहे हो ना, यहां और यहां से यह देखा था ना, देखा रेखा कहां जाती है, रेखा, हाँ ये रेखा देखा बस। अब उसके बाद यहां से ये आई और इसके साथ ये आया तो ये बना, फिर ऐसे, अब देखो सब वही चीजें बन रही है, तो बार बार लिख, इसका मतलब है एक बार लिख ले, क्योंकि इसमें तो हमको केवल बताना है संकर पीढ़ी है, तो बार बार ना लिखे इसलिए एक बार लिख दे रहे हैं। अब आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि बनेगा सब वही, और जब सब वही बनेगा तो हम देखो इसे लिख दे रहे, इरेज कर रहा हूं, क्यों इरेज कर रहा हूं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी से हमको पकड़ना है। अब चलिए तो ये भैया पुनेट का चौकोर खाना हो है, ये आपका ये का है पुनेट का चौकोर, हाँ जैसे बना रहा हूं वैसे प्यारा सा खूबसूरत बनाइएगा, देख लीजिएगा बॉक्स।
अब इन दोनों में मैं पूरा अगर क्रॉस करा के लिख दूं, तो इन दोनों में पूरा लिख दूं, तो यहां एक का लिख रहा हूं जो सब बार बार लिखते थे, का लिखा कैपिटल टी और का लिखे स्मॉल टी, देखा था यह बना ये, और ये जो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, संकर पौधा है। क्या है ये? संकर पौधा। क्या है? संकर पौधा। और इसको हम लोग कहेंगे प्रथम संतान पीढ़ी ये, और यह क्या कहेंगे, एफ वन। तो नियम का आधा बात क्लियर हो गया। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, ये दोनों जनक हो गए, इनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी में सभी कैसे पौधे, संकर पौधा प्राप्त होता है। अब देखिए सब संकर थे, यही मैंने नियम इतना बताया था। अब क्या होगा कि अब ये पौधा बड़ा होगा संकर, और जब बड़ा होगा तो इसमें आप जानते हो पौधे में दो चीजें, ये गैमेट बनते हैं, एक कौन होता है मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। तो जब ये पौधा बड़ा होगा तो इसमें स्वपरागण होगा, तो स्वपरागण होने के लिए इसमें पौधे में दो गैमेट बनेंगे, कौन कौन गैमेट बनेंगे, एक मेल गैमेट, दूसरे का कौन सा फीमेल गैमेट, और जो मेल गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी और का रहे स्मॉल टी, या मेल गैमेट। ये देखा इसे चिन्हित, इसको नर युग्मक का कहा थी हिंदी में, नर युग्मक। और अगली बार इधर फिर वही चीज यहां पे भी बनेगा, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक का कहा थी मादा युग्मक, इसे जीरो लगा के नीचे प्लस कर दिया, तो ई बन जाए मादा युग्मक। नर युग्मक मतलब वो था केसर के पराग कण, और मादा युग्मक मतलब वो था अंडाशय का अंडाणु, समझ में आया। तो ये जब पौधा बड़ा होगा तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा, मतलब मेल गैमेट बनेगा और क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फुलवा में रहता है ना पराग कण और स्त्री केसर ये सब चीजें। तो अब क्या होगा, यही बताया हूं, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि इनमें स्वपरागण होने दिया जाए, और अब क्या होने दिया जा रहा है, इसमें स्वपरागण होने दिया जा रहा है, तो क्या होगा, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, क्या होगा। अब देखिए फिर इसमें आप देख लीजिए, अब यहां से चाहे इसको फिर अलग कीजिए, तो अब क्या बनेगा, इसमें एक कैपिटल टी बनेगा और एक क्या बनेगा, इसमें स्मॉल टी, कॉमन टी स्मॉल टी, और फिर एक बनेगा इसमें कैपिटल टी और फिर एक स्मॉल टी, इसमें भी बनेगा वही। और चाहे अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते, थोड़ा स्पेस की बात है, तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, केवल आपको ज्यादा डिटेल नहीं ले जा रहे, इसे समझा दे रहे। अब क्या होगा, आप इसको उठाइए इसको, और इसके पहले वाले इसके जैसे उसमें किए थे, तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, अब जब ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिल गया तो एक पौधा तो यहां बन गया। अब देखिए जो लक्षण यहां प्रकट नहीं था, यहां पे फिर आगे प्रकट हो गया, शुद्ध रहा ना। अब इसके बाद इसको फिर पकड़िए, इसमें कीजिए दूसरे वाले में, तो क्या हो गया राजू, कैपिटल टी तो रहा हुआ और एक कमन आया स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और का हुआ स्मॉल टी, देखा था ना। अब फिर इसको उठाइए, अब इसके साथ पहले वाले में कीजिए, तो यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, कैपिटल टी प्रभावी है, तो पहले वही लिखा जाए, अरे स्मॉल टी और कैपिटल टी इसे भा है, लेकिन देखें अच्छा कम लागत है, ये बिना कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, पहले बड़का लिखते हैं फिर छोटका लिखते हैं, समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ का हो गया भैया कैपिटल टी और का हो गया स्मॉल टी, देखा था। अब फिर लास्ट वाला लग चला हुआ इसे एलसी करा जाए, तो स्मॉल टी देख लिया, जब लक्षण ही ना दिखा तो हाँ घी दिखाई हुआ, मतलब गैमेट शुद्ध है, समझ में आई गया। तो अब देखा भैया ई कावट है लंबा, शुद्ध लंबा है, ई कावा संकर, ई कावा भैया संकर, ई कावा बोना, ये देखिए समझ में आ गया। अब देखिए इसमें लंबा फिर संकर फिर संकर फिर बोना बन गया आपका। अब अनुपात देखिए, तो पहले हम लिखते हैं जीनोटाइप, इधर लिख दे का हो रहा है नहीं इधर लिख जीनोटाइप, जो पढ़े रहा जीन प्रारूप जीनोटाइप। अब जीनोटाइप अनुपात देखना है, तो देखो जीन कौन कौन कैसे है, इसमें कैपिटल टी एक ही वही हो, अब फिर की रेखा दोनों एक है, तो वन इज टू टू, जो बताया रहे कि एक अनुपात है दो अनुपात एक में, अब फिर एक ही है,
तो वन हुई बस। तो जीनोटाइप कितना हुई भैया, वन इज टू, टू इज टू वन, ये क्या है जीनोटाइप। और अब एक लक्षण होता है फीनोटाइप, जिसमें जीन ला देखा जाए, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी तो जीन एक देखा जाता है, इसमें एक जीन एक सिमिलाई रहा, दो ठीक देखा सेम सेम रानी में टू इज टू कई दे, और फिर लास्ट में वन एक ही रहा तो वन इज टू वन। लेकिन फीनोटाइप का मतलब क्या होता, लक्षण देखा जाता, लक्षण का मतलब जैसे लंबा ई लंबा या ई का वह बहुना तो नाटा ही हुई हुआ, असंकर का मतलब न तो लंबा या है न तो बहुना या है बीचे का बाट है। तो अगर हम लक्षण का मतलब देखेंगे तो लक्षण में कहा है ई लंबा और संकर एकदम बराबर दिखाता है भाई, लंबा और संकर थोड़ा अगर दुर्गा से देख पाते एकदम जैसे दिखाएंगे, जैसे लाल गुलाबी रंग देखत है। तो इसीलिए क्या होता है ये संकर और ये लंबा, इसको जब फिनोटाइप लिखते हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं थ्री, और फिर बौनवा तो एकदम दुर्गा जैसे दिखाते रहे इज टू वन। तो जीनोटाइप अनुपात कितना हो गया वन इज टू वन, और फिनोटाइप ये दोनों जुड़ गए ना एक हो गए, और फिर कहा गया थ्री इज टू वन। इस अनुपात का मतलब यही है कि अगर जैसे 100 पौधा मिले दूसरी पीढ़ी, अब इसको क्या कहोगे आप लोग, द्वितीय संतान पीढ़ी, अब बोले तो एफ टू, नहीं तो पी एफ वन एफ टू, ये सब मतलब जानते रहे, जनक पीढ़ी प्रथम संतान पीढ़ी द्वितीय संतान पीढ़ी। तो अब आपको मिल क्या गया ये द्वितीय संतान पीढ़ी, अब इसे कहे 100 पौधा मिला, अब 100 पौधा मिला तो मैं अनुपात का निकल गया, लंबा कैठी हुआ बावना कैठी हुआ संकर कैठी हुआ, तो 25 थी लंबा और 50 थी संकर और 25 थी बावना, यह हुई। अगर अगर सवाल जब आए, जैसे सवाल आवा कि एक ऐसे पौधे थे लंबे और बन उसमें क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में सब संकर मिले, दूसरी की पीढ़ी में 100 पौधे प्राप्त हुए, तो उसमें बताइए कितने लंबे हैं कितने बौने हैं कितने संकर हैं। तो हमको तो अनुपात मालूम है ना, 100 को इसी अनुपात में डिवाइड कर दिया 1:2:1 में, तो पता लग गया कि भैया एक अनुपात का मतलब 25 ठी लंबा हो गए और 25 ठी बौना हो गए, दो गुना संकर, तो आधा संकर हो गए आधा वो आधे हो रही है। तो यही इतना नियम है, आपको इतना ही नियम क्या करना था हमको बताना था, पूरा नियम एक बार फिर सुन लीजिए। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर प्राप्त होते हैं, और यदि उनमें स्वप्रकट होने दिया जाए तो द्वितीय पीढ़ी में लक्षण 1:2:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। अब जैसे मैंने पूरा इसका क्या किया आपको एकदम पूरा विधिवत बता दिया, तो ये तरीका है, आप इसको आप विधिवत तरीके से क्या कर सकते हो, कॉपी में इसकी लिखिए और एक नोट्स बनाइए बस। थैंक यू, धन्यवाद।